कश्मीर में हालात काफ़ी बद से बदतर होते जा रहे हैं, खास करके बिहार के रहने वालों पर निशाना साधा जा रहा है और लगातार उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। कुछ दिन पहले ही जहां भागलपुर के एक युवक की हत्या कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा की गई थी, वहीं अब कल बांका के राजेंद्र कुमार की आतंकवादियों ने हत्या कर दी और आज देर शाम दो और बिहारी युवकों की भी हत्या आतंकवादी हमले में हो गई। देश भर में और खास करके बिहार में इस घटना की निंदा हो रही है। बांका के युवक राजेंद्र शाह का पार्थिव शरीर आज जम्मू कश्मीर से देर रात पटना एयरपोर्ट पर लाया गया। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस घटना की निंदा की। वहीं बिहार सरकार के मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर बहुत खेद है, बहुत दुखी है। हम सभी लोग प्रवासी मजदूर के तौर पर बिहार से बाहर जाकर 17 सालों से वहाँ ये गोलगप्पे का कारोबार कर रहे थे और जिस प्रकार की घटना घटी वो काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी दुखद है। मैं स्वयं अभी उनका डेड बॉडी यहाँ रिसीव करके उनके परिजनों को जिलाधिकारी के साथ रिसीव किया और उनके परिजनों को सुपुर्द किया। हम समझते हैं कि सरकार जो भी दोषी होगी, वर्तमान सरकार केंद्र की और वहाँ की राज्य का जो हुकूमत है, उनको छोड़ने वाली नहीं है, उनको बकसने वाली नहीं है। यहाँ पर बिहारी मजदूर को आज सब लाया गया है, आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ? बहुत खेद है, बहुत दुखी है। हम सभी लोग प्रवासी मजदूर के तौर पर बिहार से बाहर जाकर 17 सालों से वहाँ ये गोलगप्पे का कारोबार कर रहे थे और जिस प्रकार की घटना घटी वो काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी दुखद है। मैं स्वयं अभी उनका डेड बॉडी यहाँ रिसीव करके उनके परिजनों को जिलाधिकारी के साथ रिसीव किया और उनके परिजनों को सुपुर्द किया। हम समझते हैं कि सरकार जो भी दोषी होगी, वर्तमान सरकार केंद्र की और वहाँ की राज्य का जो हुकूमत है, उनको छोड़ने वाली नहीं है, उनको बकसने वाली नहीं है। यहाँ पर बिहारी मजदूर को आज सब लाया गया है, आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ? बहुत खेद है, बहुत दुखी है। हम सभी लोग प्रवासी मजदूर के तौर पर बिहार से बाहर जाकर 17 सालों से वहाँ ये गोलगप्पे का कारोबार कर रहे थे और जिस प्रकार की घटना घटी वो काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी दुखद है। मैं स्वयं अभी उनका डेड बॉडी यहाँ रिसीव करके उनके परिजनों को जिलाधिकारी के साथ रिसीव किया और उनके परिजनों को सुपुर्द किया। हम समझते हैं कि सरकार जो भी दोषी होगी, वर्तमान सरकार केंद्र की और वहाँ की राज्य का जो हुकूमत है, उनको छोड़ने वाली नहीं है, उनको बकसने वाली नहीं है।